हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। सभी देश अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जीती नहीं जा सकी है। भारत में भी हजारों लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पा चुके हैं और इस वायरस को संक्रमित को सीमित करने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बीच टीवी एक्ट्रेस कुशाल टंडन ने चीन से जुड़े एक एप्लीकेशन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। कुशाल टंडन ने इंस्टाग्राम पर काफ़ी गुस्सेल अंदाज में लिखा है, जहां पूरी दुनिया चीन के करतूत से परेशान है, वहीं तमाम भारतीय और अन्य लोग उसे इस घटिया टिकटॉक के जरिए बिजनेस दे रहे हैं, जहां टिकटॉक ने इसे उन लोगों के लिए बनाया था जो कुछ नहीं कर रहे और खाली है। वही देखो ज़रा, हर कोई टिकटॉक पर लगा हुआ है, हर कोई टिकटॉक पर है। टिकटॉक को बैन करो, मुझे फ़क्र है कि मैं कभी टिकटॉक इस्तेमाल नहीं किया है। खुशाल की इस पोस्ट को हज़ारों लोगों ने लाइक किया है और तमाम लोगों ने उनकी इस बात का समर्थन करते हुए टिकटॉक के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। बता देते हैं कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर इस वायरस को डेवलप किया है।